आज मैं आपके लिए व्रत में खाए जाने वाले बहुत ही टेस्टी कुट्टू के आटे के हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। ये खाने में तो टेस्टी होता ही है और बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाता है। इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस पे एक डिब्बा रखा और उसमें 2 कप पानी डाल दिए। आप मिश्री को छोटे टुकड़ों में तोड़कर इसमें डाल दिया। हलवे के स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें छोटी इलायची का पाउडर मिला देंगे। अब इसे थोड़ी देर और पकाएंगे जब तक ये मिश्री अच्छी तरह घुल ना जाए। मिश्री मीठे का ही एक हेल्दी ऑप्शन है। हलवा बनाने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखी और उसमें 1 कप देसी घी डाल दिया। घी को गर्म होने देते हैं और अब इसमें कुट्टू का आटा भी डाल देंगे। अब आटे को लो फ्लेम पर हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। हमें आटे को लगातार चलाते हुए भूनना है जिससे कि आटा तले में ना लगे। कुट्टू का आटा हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, आयरन होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो कि हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। कुट्टू के आटे को हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। आटा भुनना शुरू हो गया है। जैसे जैसे आटा भुनता जाएगा आटा घी छोड़ता जाएगा। आटे को भूनते भूनते इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। जब तक यह गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे। आटे को भूनने के लिए हमें 7 से 8 मिनट लगे हैं। ये देखिए इससे घी अलग हो चुका है। अब ये अच्छी तरह से भुन चुका है। अब चाशनी को छलनी से छान कर इसमें मिला देंगे जिससे चाशनी में कोई कचरा हो तो वो भी निकल जाए। अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। धीरे धीरे हलवा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। हलवे की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये अच्छी तरह से भुन चुका है। इसका कलर भी कितना सुंदर आया है। अब ये हलवा बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है और इससे घी भी अलग हो गया है। हलवे के स्वाद को बढ़ाने के लिए अब इसमें थोड़े से कटे हुए बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश सब कुछ डालकर अच्छी तरह से इसे मिला देंगे। आप इसमें ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हलवा बना है। घी इससे बिल्कुल अलग हो गया है। ये बहुत ही हेल्दी और रिच हलवा बनकर तैयार हुआ है। आइए अब इसे सर्व करते हैं। इस हलवे को आप व्रत में ही नहीं कभी भी बनाकर खा सकते हो। अब हलवे के ऊपर मैं थोड़ी सी ड्राई फ्रूट की कतरन डाल देती हूँ जिससे ये देखने में और ज़्यादा सुंदर और स्वादिष्ट लगे। ये देखिए कितना स्वादिष्ट हलवा बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसे पास से दिखाती हूँ। ये देखिए हलवे को देखते ही खाने का मन हो रहा है। आप इसे घर पर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव सुमन फूड फैक्ट्री पर जरूर शेयर करें। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।